सबसे पहले मेरे पसंदीदा फवाद द ग्रेट चौधरी पर नारियल फोड़ते चले, फरमा रहे कि 1 रुपए लीटर में सस्ते में सस्ता मिनरल वाटर तैयार कर लिया, 1 रुपए लीटर में। बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर पीएम हाउस, पार्लियामेंट और जीएचक्यू में पानी दिया जाएगा। जीएचक्यू में तो पानी नहीं दे सकते, ये तो तय, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि जीएचक्यू में ये जज्बाती बातें चलती नहीं है। दूसरे मरहले में कहते हैं कि मुल्क भर में ये मिनरल वाटर लोगों के लिए दस्तियाब होगा। मैं इमरान खान साहब से चाहे लाख इख्तलाफ सही, और इख्तलाफ भी कौन सा मेरी जमीन जायदाद उन्होंने लिए या मुझे कौन सा उनसे अल्लाह वास्ते की बहर है, मैं तो सिर्फ तनकीद बरा इसलाह की खातिर कुछ करता रहता हूँ थोड़ी बहुत हस्ब तौफीक। इमरान खान साहब से दस्त बस्ता इल्तिमास है, हुजूर इस मरतबा उनके झांसे में बताइएगा, ठीक है एक मरतबा फिर आपने किसी न किसी मजबूरी के तहत उन्हें अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया, ठीक है सियासत तो है ही मजबूरियों का नाम, लेकिन प्लीज ये फवाद द ग्रेट चौधरी ये पहली मरतबा नहीं है कि किसी हुकूमत के तर्जुमान बने, पहली मरतबा नहीं है कि किसी हुकूमत ने मजबूरन तौन और करन इन्हें अपने गले का हार बनाया है, लेकिन प्लीज सर आप मेरे क्रिकेटिंग हीरो रहे हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी जिंदगी मुझे अजीज है, ये पानी मत पीजिएगा, नारियल पानी को गुजारा अगर कीजिए तो मैं जाती तौर पर आपका मशकूर ममनून हूंगा। आगे बढ़ते हैं फवाद चौधरी से, अब आ जाते हैं जनाबे वाला अपने मुद्दे पर, लेकिन नहीं एक मरतबा फिर अपने मुद्दे पर नहीं आ सकते, मजबूरी। एक अजीब और गरीब किस्म की वीडियो कल शाम से वायरल है, मेरे करीबी दोस्त जब मिनिस्टर नहीं होते हैं तो मेरे प्रोग्राम में जरूर आते हैं, मिनिस्टर होते हैं तो भी आते हैं लेकिन थोड़े से नाज नखरे दिखा करके, फयाज द ग्रेट चौहान खान, जरा एक उनकी वीडियो यार तुमने ये लूप के तौर पर चला दिया, चले बहरहाल इसमें वो भी नजर आ रहे हैं और कुछ और खवातीन भी मस्तूरात भी नजर आ रही हैं, कुछ मशकूक किस्म की हरकतें, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें क्या नाम दूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तमीज तहजीब से भी अगर डिस्क्राइब कर सकूं तो मैं हथियार डालता हूं, मैं सीना सफर हो जाता हूं, मैं नहीं कर पा रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये कैमरे पर इस किस्म की हरकतें हो रही हैं तो आप समझ सकते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। इमरान खान साहब काइंडली जरा देखिएगा सर, मुझे पता है बहुत मसरूफ है, लेकिन चलो ये 2 FIRs हो गई। आगे बढ़ते हैं, कराची का मुकदमा आते हैं जी, पहले ये दिखाएं जी, मेरे साथ मौजूद हैं आफताब सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर अराइवल, ये मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज मौजूद हैं। ये खाली कुर्सी जो मेरा किसी बेवा की उजाड़ मांग की तरह मुंह चढ़ा रही है, इस पर बैठना था पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी खुश या बदनसीब ने, लेकिन बहरहाल वो बदनसीब एंड टाइम पर खुश नसीब निकला कि 11th hour पर रिग्रेट कर लिया गया, पीपल्स पार्टी ने हमारे प्रोग्राम में शिरकत का इंडिया हामी नहीं भरी, MQM को हमने खुद लिफ्ट नहीं कराई और उसकी भी बहुत सारी वजूहत हैं, इसलिए कि पिछली मरतबा उनको ऐसा लगने लगा होगा कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे चैनल मेरे प्रोग्राम के लिए, तो मैं उनको ये बता दूंगा, ऐसा पता ही नहीं है। दूसरी बात, उनके कुछ चहीतों ने मुझे अपने तौर पर सलाह मशवरा दिए लेकिन इनडायरेक्टली इसे थ्रेट कहते हैं, एक साबिक विफाकी वजीर का भी कॉल आया मुझे, उन्होंने मुझे बताया कि यार ये आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता कि MQM के मामला क्या हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे पास तो मेडिकल सर्टिफिकेट है पागल पड़ेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। दूसरा किसी ने मुझे ये कहा कि नैयर भाई बुरा मान जाएंगे, तो मैंने उनसे ये कहा कि नैयर भाई और उनके जितने भी बहन भाई जितने भी हैं मियां फूफ सबको बता दिया जाए कि अगर कोई छिछोरापन किया तो, पिछली दफा तो मैंने सिर्फ वीडियो वायरल करने की कहा था, इस मर्तबा वो कुछ होगा कि जमीन और आसमान पना मांगेंगे, ये वो दौर नहीं है मेरे भाई, ये वो दौर नहीं है, होशियारी मत करना, मैं अकेला हूं तब भी मैं अकेला नहीं हूं, वली बाबर नहीं हूं मैं, पहले भी मैं बता चुका हूं दोबारा बता रहा हूं, कोई होशियारी की सबसे पहले तुम सबकी गर्दन दाबी जाएगी, मैं MQM की टॉप स्लॉट को ये वार्निंग देता हूं। आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला, आज ये तय करेंगे कि कराची की जगमोहाली का जिम्मेदार कौन है, लेकिन 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 उससे पहले हम बात कर लेते हैं मेयर कराची की उस फुलटॉस की जो उन्होंने अपने तौर पर, मेरा ख्याल है मुस्तफा द ग्रेट कमाल साहब ने वो जो इंडिया दिया था शाम 6 बजे के बाद, और होश में ना रहना, और ये मुझे नहीं पता ऐसा है नहीं, आई डोंट नो, तो शायद उसी का कुछ असर था, जरा भाई अगर वो दिखा सके अगर वो तकरार मेयर कराची और ग्रेट कमाल साहब की, उसके बाद फिर हम बात आगे। अपने तौर पर उन्होंने यॉर्कर दी थी लेकिन मुस्तफा कमाल ज्यादा होशियार निकले, उन्होंने क्रीज से आगे बढ़कर के इसको फुल टॉस बनाया और बाउंड्री लाइन से बाहर फेंक दी, उन्होंने सीधे सीधे स्ट्रेट अवे इसको इस ऑफर को इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, डायरेक्टर कचरा मेरा मतलब है डायरेक्टर गार्बेज बनना उन्होंने कबूल किया, गवारा किया इन द लार्जर और ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ आर कंट्री स्पेशली कराचाइट्स। उसके बाद नाश्ता कमेटी मेरा मतलब है राबता कमेटी
उसको तिल मिलाहट हुई, उन्होंने कहा यार ये क्या कर दिया, तो भांडा फूट जाएगा। फिर उन्होंने वसीम अख्तर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा भाई हर वक्त शाम नहीं होती, ये दिन के फैसले हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो उनको बताया कि अल्लाह ने खाने कमाने का एक मौका आपको दिया है, आप अपने भी एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे भी पेट पे लात मार रहे हैं, ऐसा ना करो। तो जब की लाइन हाजिरी हुई रावियाने रवायती बताते हैं, इनसाइडर्स ये बताते हैं कि उसके बाद वसीम अख्तर साहब की जब लाइन हाजिरी हुई तो उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का पीटीआई मारा, क्योंकि इत्तेहादी तो है ना। फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया, जो कि एक इबादत है सियासत में आजकल। उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये बताया कि जी मुस्तफा कमाल दरहकीकत बदतमीज है, गजब खुदा का एक बदतमीज आदमी खुद बदतमीज करार दे रहा है दूसरों को, यकीन ना आए तो मुस्तफा कमाल वसीम अख्तर, इनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस निकाली गई जिसमें उन्होंने कहा था इल्ला माजल्ला के पंजाब के हर घर में डैश होता है, चौधरी निसार को इन्होंने मिस्टर बीन कहा था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को इन्होंने गंजा कहा था। ये मैंने एक हिंट दे दिया आपको, बाकी इनकी बदजुबानी की और भी नुस्खे मौजूद हैं अगर आप चाहें। सादिक आगे की, अगर वक्त बुरा हो तो ऊंट पे बैठे कुत्ता काटता है, यही हुआ मुस्तफा लाहौल में, आपको मुस्तफा कमाल से कुछ ज्यादा प्यार हो गया वसीम अख्तर साहब के साथ, उनके सितारे मुसलसल गर्दिश में, नाम नहाद अपनों की नाकाबिले यकीन करप्शन का भांडा फोड़ दिया, एक निजी टेलीविजन चैनल की मुस्तकिल कंसेक्यूटिव कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स ने, न्यूज रिपोर्ट्स ने, एमक्यूएम की बची कुची मलिया साथ भी जो है वो मलियामेट कर दिए। इन न्यूज रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि किस तरह फर्जी मंसूबों के जरिए करोड़ों रुपए, और जिनको अगर मिल मिला लिया जाए तो अरबों रुपए कराची वालों से छीन लिए गए, उनकी जेब पर डाका मारा गया। कोई टाउन या कोई टाउन चेयरमैन ऐसा नहीं जिसने रुपयों की इस बहती गंगा में हाथ ना धोया हो। नाम निहाद अपने यूं कह लीजिए, खैर ये मेरे लिए तो कोई खबर नहीं, लेकिन आपको बता देता हूं कि सर से पांव तक करप्शन की कीचड़ में है। अब वक्त है इसका सबूत देने का, ना बोल टीवी पर केस।